नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। दोस्तों, जो हम आपको वीडियो बताने जा रहे हैं, जो हम वीडियो बनाने बताने जा रहे हैं आपको वीडियो में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मेडिकल फील्ड में आप हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब जो अपन बता रहे हैं, इसके बिना आप मेडिकल फील्ड जगत में कोई भी आपका बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा जो हम आपको बताएंगे। उस वीडियो हम आपके बताने वाले हैं स्टरलाइजेशन। समझ रहे हैं स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है? उसको हिंदी में बोलते हैं निर्जीवाणुकरण। ठीक है, स्टरलाइजेशन हम बताएंगे, लेकिन स्टरलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। जो स्टरलाइजेशन है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। कितने प्रकार के स्टरलाइजेशन होते हैं, कैसे करते हैं, हम उसको सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे एक करके, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कितने प्रकार स्टरलाइजेशन होते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे करते हैं। हम आपको प्रत्येक सभी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा, अलग अलग करके टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन बताऊंगा मैं आपके लिए, सब कुछ अलग अलग बताऊंगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंस्टॉलेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन होता है हमें ऑपरेशन थिएटर में। यदि ऑपरेशन थिएटर में आप हैं तो ऑपरेशन थिएटर में इसको क्या है, सभी प्रकार के उपकरण होते हैं। आपने देखो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कई प्रकार के उपकरण होते हैं, तो उनको क्या है, उसमें संक्रमण रहता है। संक्रमण जैसे सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें रहते हैं। तो यदि हम उसको इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको हम वॉश तो कर लेंगे, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे, लेकिन क्या है, उसमें इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो ऑटोमेटिक नहीं मरते, मतलब वॉश करने से इसको वो नहीं मरते हैं और उसमें रहते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट में उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, उनको मारने के लिए हमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। उनको क्या, पूरा नष्ट करना पड़ता है। यदि सीधा सीधा हम ऑपरेशन करेंगे, यदि स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं करेंगे, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो अपने सूक्ष्म जीव हैं, उसी कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, पेशेंट की बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे, तो क्या उससे इन्फेक्शन होगा और खतरा इसके लिए, उसको पेशेंट के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इसको मारने के लिए, इसको संक्रमण को बचाने के लिए हमें क्या है, स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसके हम आपको डेफिनेशन बताते हैं कि जो सभी सभी सूक्ष्म जीवों के जो बीजाणु रहते हैं, उनको पूरा नष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं, निर्जीवाणुकरण कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको पूरा नष्ट करने के लिए, जिनके बीजाणु रहते हैं, मतलब उनको पूर्णतः नष्ट करने के लिए, दोबारा उत्पन्न ना हो पाए, उसको पूर्णतः उसको नष्ट करने के लिए विधि जो रहती है, उसको विधि रहती है नष्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। समझ गए दोस्तों, उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है, स्टरलाइजेशन में बहुत प्रकार के स्टरलाइजेशन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, स्टरलाइजेशन एक प्रकार का नहीं होता, स्टरलाइजेशन हम कई प्रकार से करते हैं, उसकी कई विधि होती है करने की, और इंस्ट्रूमेंट पर अलग निर्भर करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, धारदार इंस्ट्रूमेंट है या बिना धारदार है, या प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट है या कांच का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का हम इंस्टॉलेशन इसमें करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। अगली वीडियो हम आपके लिए टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन बताएंगे, किस प्रकार के, कितने प्रकार इंस्टॉलेशन होते हैं, सब कुछ बताएंगे अगली वीडियो में। एक एक करके हम सभी प्रकार की वीडियो आपको बनाते रहेंगे। दोस्तों, आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक।